हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे सेल बॉलोज से जुड़े हुए कुछ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन शेयर किए थे आज हम फिफ्टी वन से लेकर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हाउ मैनी सब यूनिट मेक अप ए राइबोसोम कुल कितनी सब यूनिट होती हैं जो राइबोसोम को बनाने में मदद करती हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फोर ऑप्शन नंबर सेकंड है फाइव ऑप्शन नंबर थर्ड है थ्री ऑप्शन नंबर फोर है टू हम जानते हैं राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं एक का नाम स्मॉल सब यूनिट होता है और दूसरी लार्ज सब यूनिट होती है तो इसका आंसर ठीक होगा फोर्थ आंसर टू सब यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच इज़ ए करेंसी ऑफ एनर्जी एनर्जी का करेंसी किसे कहते हैं एफ ए डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्लूकोज ऑप्शन नंबर थर्ड है एन ऑप्शन नंबर फोर्थ है एटीपी। हम जानते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी हम ए अर्थात एडिनोसिन ट्राइफास्पेट को कहते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो सही आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री ए माइक्रो ट्यूब्यूल इज कम्पोज ऑफ वॉट टाइप ऑफ प्रोटीन माइक्रोट्यूल किस टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्टीन ऑप्शन नंबर सेकंड है डोरेबल प्रोटीन ऑप्शन नंबर थर्ड है ट्यूबुलिन ऑप्शन नंबर फोर्थ है मायोसिन ट्यूबुल स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है इसीलिए इसका सही आंसर होगा ट्यूबुलिन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर यू सेल्स हैव वाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन देयर फ्लेजिला यूकैरियोटिक सेल में फ्लेजिला के अंदर किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है ऑप्शन फर्स्ट है नाइन प्लस टू अरेंजमेंट ऑप्शन सेकंड है टू प्लस नाइन अरेंजमेंट ऑप्शन थर्ड है सेवन प्लस टू अरेंजमेंट ऑप्शन फोर्थ है नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रजेंट फ्लैजला का जो सही अरेंजमेंट होता है वो नाइन प्लस टू का होता है अर्थात इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नाइन प्लस टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इन थालेक्वाइड हाउ मैनी लेयर्स आर देयर थालेक्वाइड में कुल कितनी लेयर्स होती हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्री ऑप्शन नंबर टू है फोर ऑप्शन नंबर थ्री है फाइव ऑप्शन नंबर फोर है टू हम जानते हैं थाइड में कुल टू लेयर होती हैं तो इसका सही आंसर होगा टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हु सजेस्टेड दैट न्यू सेल्स अराइज थ्रो सेल डिवीजन ऑफ ट्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने सजेस्ट किया था कि नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन द्वारा ही आती हैं ऑप्शन फर्स्ट है बिरचो ऑप्शन सेकंड है स्वान, ऑप्शन थर्ड है रॉबर्ट हुक ऑप्शन फोर्थ है सिलिडेन हम जानते हैं इस बात को सबसे पहले रॉबर्ट ब्रचोब ने सजेस्ट किया था कि जो भी न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन के द्वारा ही बनती हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन ए यू सेल सेल साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काटिक सेल में साइटोस्केलेटन बना होता है ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोटिबुल्स ऑप्शन सेकंड है ट्यूबुलिन ऑप्शन थर्ड है माइक्रोफिलामेंट ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दिस हम जानते हैं यू काडोटिक सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन हमेशा माइक्रोटिबुल्स प्रोटीन से मिलकर बना होता है अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इन हायर प्लांट सेल बॉल इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस हायर प्लांट में सेल बॉल किस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है ऑप्शन फर्स्ट है लाइपोप्रोटीन ऑप्शन सेकंड है कैलोज ऑप्शन थर्ड है सेलुलोज ऑप्शन फोर्थ है पेप्टाइडो ग्लाइकोन हम जानते हैं हायर प्लांट में सेल बॉल, सेलुलोज सफ्टें से मिल के बनी होती है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेलुलोज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन दैटन इज मेड अप ऑफ सेटस कैटन बना होता है ऑप्शन फर्स्ट है कैलोज ऑप्शन सेकंड है माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन थर्ड है सेलुलोज ऑप्शन फोर्थ है प्रोटीनियस फाइबर हम जानते हैं साइटोस्केटन हमेशा प्रोटीनियस फाइबर से मिलकर बना होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रोटीनियस फाइबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट विच ऑर्गन इज़ रिलेटेड इसमें कहा गया है न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा ऑर्गनज रिलेटेड है ऑप्शन फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन बी है क्लोडोप्लास्ट ऑप्शन थर्ड है माइटोकिया ऑप्शन फोर्थ है लाइससोम हम जानते हैं न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड होता है इसका सही आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन फर्स्ट सही है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन वाट इज करेक्ट अबाउट द फ्लूट मोजिक मॉडल आपको इसमें बताना है फ्लूट मोजिक मॉडल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट है लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन इंक्लूड इन इट ऑप्शन बी है एबब द प्रोटीन लेयर वन लेयर ऑफ हास्टो इज प्रजेंट ऑप्शन थर्ड है एबब द प्रोटीन लेयर कॉमा टू लेर आपिड आर प्रजेंट ऑप्शन फोर्थ है प्रोटीन बाई लेयर एंड फास्पोलिपिड आर इंक्लूडेड इन इट इसमें सही आंसर हमारा है एलिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन इंक्लूडेड इन इट क्योंकि फ्लूड मोजिक मॉडल हमेशा लिपिड बाई लेयर से मिलकर बना होता है एंड प्रोटीन उसमें इंक्लूड रहती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू सेल्स आर ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हु फाउंड आउट सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है इसको सबसे पहले किसने बताया था ऑप्शन फर्स्ट है मेंडल ऑप्शन सेकंड है रॉबर्ट हुक ऑप्शन थर्ड है अरिस्टोटल एंड ऑप्शन फोर्थ है सिलिडेन एंड सान सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले सिलिडन एंड ने बताया था तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन सेकेंड है ऑनली लिपेड ऑप्शन थर्ड है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऑप्शन फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तो हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द सब यूनिट ऑफ प्रोकाडोटिक राइबोसोम आर प्रोकाटिक में उपस्थित राइबोसोम की सब यूनिट बताना है इसमें ऑप्शन फर्स्ट है फिफ्टी एस प्लस थर्टी एस ऑप्शन सेकंड है सिक्सटी एस प्लस फोर्टी एस ऑप्शन थर्ड है फोर्टी एस प्लस थर्टी एस एंड ऑप्शन फोर्थ है सिक्सटी एस प्लस फिफ्टी एस हम जानते हैं प्रोकाइटिक में उपस्थित राइबोसोम सेवेंटी एस टाइप के होते हैं और उसमें उपस्थित राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं इसमें लार्ज सब यूनिट को हम फिफ्टी के नाम से जानते हैं और स्मॉल सब सब यूनिट को हम थर्टी कहते हैं तो ऑप्शन फास्ट इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विच ऑर्गनइल्स प्रो विच ऑर्गनइल्स प्रोसेसिस सर्कुलर डी एन ए कौन सा ऑर्गेनल्स है इसमें सर्कुलर डी एन ए देखने को मिलता है ऑप्शन फर्स्ट है गोलगी अपरेटस ऑप्शन सेकंड है राइबोसोम ऑप्शन थर्ड है लाइसोसोम एंड ऑप्शन फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट तो एक बात हम जानते हैं इसमें गोलगी अपरेटस राइबोसोम और लाइसोसोम तीनों ही हमारे जिसमें तीनों ही तीनों के अंदर हमारा डीएनए देखने को नहीं मिलता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें एक सर्कुलर टाइप का डीएनए पाया जाता है तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर सही है अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी सिक्स वाट इज प्रोड्यूस वेन वेसिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द गल बॉडी यदि हम बेसिकल को गोल्गी बॉडी से सेपरेट कर दें तो क्या प्रोड्यूस होगा ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम ऑप्शन सेकंड है क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन थर्ड है वैक्यूल्स एंड ऑप्शन फोर्थ है लाइसोसोम इसमें आपको सही आंसर बताना है तो इसमें लाइसोसोम प्रोड्यूस होगा जब हम इसको बेसिकल को गॉलगी बॉडी से सेपरेट कर देते हैं तो लाइसोसोम प्रोड्यूस होता है फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इन सम बैक्टीरिया द आउटर मोस्ट लेयर इज़ ए लूज सीथ लेयर कॉल्ड एज आपको इसमें बताना है कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिसमें आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो होती है वह लूज सीथ लेयर कहलाती है उसका सही आंसर क्या है ऑप्शन फर्स्ट है कैप्सूल ऑप्शन सेकंड है ग्लाइकोकैलिक्स ऑप्शन थर्ड है स्लिम लेयर ऑप्शन फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं बैक्टीरिया में यदि आउटर मोस्ट लेयर लूज सीत लेयर की बनी होती है तो वो हमेशा स्लिम लेयर के नाम से जानी जाती है तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड लेयर। क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल सेल सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन सी है ऑप्शन फर्स्ट है पी पी एल ओ इसको हम प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं ऑप्शन सेकंड है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन थर्ड है हेंस है, एग एंड ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रिच एग तो ये आंसर सभी को पता भी होगा इसके बारे में इसका सही आंसर होगा ऑस्टिच एग जो एक बिगेस्ट एनिमल सेल के नाम से जानी जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एंड आपको बताना है कौन से क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एंड पे लोकेटेड होता है ऑप्शन फर्स्ट है मेटासेंट्रिक ऑप्शन सेकंड है सब मेटासेंट्रिक ऑप्शन थर्ड है टीलोसेंट्रिक ऑप्शन फोर्थ है एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे सेंट्रोमीयर की लोकेशन की बात की जा रही है सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो सही आंसर होगा वो टीलोसेंट्रिक होगा क्योंकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर उसके एंड पे उपस्थित होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है ऑप्शन फर्स्ट है इन थालेक्वाइड ऑप्शन सेकंड है इन स्ट्रोमा ऑप्शन थर्ड है इन ग्रेना एंड स्ट्रोमा एंड ऑप्शन फोर्थ है थालेक्वाइड हम जानते हैं हमेशा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के थालेक्वाइड रीजन में पाया जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन थालेक्वाइड इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ऑप्शन फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट विद प्रोकैरियोटिक सेल ऑप्शन सेकंड है राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन थर्ड है माइटोकांड्रिया ग्रेना एंड ऑप्शन फोर्थ है लाइसोसोम सोसाइडल बैग इसमें हम लोग जानते हैं लाइसोसोम हमेशा सोसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड सब्सटेंसेस फंगाई के सेल वॉल किस सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है ऑप्शन फर्स्ट है पैक्टीन ऑप्शन सेकंड है सेलुलोज ऑप्शन थर्ड है स्टार्च ऑप्शन नंबर फोर्थ है काइटिन तो आपको इन चार में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टेंस है जो फंगाई के वॉल को बनाने में मदद करता है तो चलिए इसका आंसर बताते हैं हम इसका सही आंसर है काइटिन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री इन ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर प्रोसेसिंग एक डिस्क सेव स्ट्रक्चर इज प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक डिस्क सेव स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है इसका नाम बताना है आपको ऑप्शन फर्स्ट है लॉन्ग आर्म ऑप्शन सेकंड है शॉर्ट आर्म ऑप्शन थर्ड है सैटेलाइट एंड ऑप्शन फोर्थ है काइनेटो कोर तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो है काइनेटो कोर काइनेटोकोर कोर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इन ह्यूमेंस विच सेल लैक ए न्यूक्लियस आपको बताना है ह्यूमेंस में कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ऑप्शन फर्स्ट है मोनोसाइट ऑप्शन सेकंड है आरबीसी। आर ऑप्शन थर्ड है न्यूट्रोफिल्स ऑप्शन फोर्थ है लिम्पोसाइट हम जानते हैं ह्यूमेंस में डब्ल्यू की सभी सेल्स न्यूक्लियेटेड होती हैं अर्थात मोनोसाइट, न्यूट्रोफ़िल और लिम्पोसाइट तीनों ही डब्ल्यू की सेल्स हैं इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन आर इसका सही आंसर है इसमें न्यूक्लियस आपसेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई एनिमल सेल इंटरकनेक्टेड होती है किसके द्वारा ऑप्शन फर्स्ट है सेल वॉल ऑप्शन सेकंड है डेस्मोसोम ऑप्शन थर्ड है प्लाज्डेजा ऑप्शन फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम जानते हैं इसका सही आंसर होगा डेस्मोसोम डेस्मोसोम एनिमल सेल एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने में मदद करते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ये थे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बायोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे ही मैं आ, आगे भी क्वेश्चन लाता रहूँगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच